200 रुपए कम हुए सिलेंडर पर पहली बार क्या बोली स्मृति ईरानी? स्मृति ईरानी को प्रकाश राज का तगड़ा जवाब। दोस्तों मेरा नाम है कुमकुम बिनवार। सबसे पहले तो आप दर्शकों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि देश के कई हिस्सों में रक्षाबंधन आज और कई में कल भी मनाया जा रहा है। लेकिन रक्षाबंधन के मौके पर मोदी सरकार ने जो LPG सिलेंडर में 200 रुपए की कटौती की, उसे लेकर सबसे ज्यादा ट्रोल किस मंत्री को किया गया? केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को। वजह आप जानते हैं, क्योंकि स्मृति ईरानी के विपक्ष में रहती ये तस्वीर ऐतिहासिक बन चुकी है। जब जब महंगाई की बात आती है, जब जब सिलेंडर की कीमतों की बात आती है, स्मृति ईरानी को उनकी ये तस्वीर याद दिलाई जाती है। इसीलिए जब उनकी सरकार ने रक्षाबंधन के तोहफे पर, खास तौर पर देश की बहनों को गिफ्ट के नाम पर सिलेंडर में 200 रुपए कम किए, तो स्मृति ईरानी सामने आई और मुस्कुराते हुए जो बोली, उसे सुनकर आप कहेंगे कि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। तो कहती थी स्मृति ईरानी जब टीवी पे आती थी, लेकिन क्या राजनीति में आते आते स्मृति ईरानी के लिए बयानों के भी रूप बदल जाते हैं? ये बात मैं क्यों कह रही हूँ आगे बताऊंगी आपको, लेकिन सबसे पहले सुनिए कि स्मृति ईरानी ने किस तरह से रक्षाबंधन के मौके पर मोदी सरकार के गैस सिलेंडर के 200 रुपए कम करने को लेकर मोदी जी का आभार व्यक्त किया। देश की सभी बहनों की ओर से मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार करती हूँ। वैसे दोस्तों सोचने वाली बात तो ये है कि आज के महंगाई के दौर में वो कौन सी बहन है जो रक्षाबंधन में अपने भाई से 200 रुपए पाकर गदगद हो जाएगी। उसका जवाब तो खैर स्मृति ईरानी के पास ही होगा। लेकिन स्मृति ईरानी ने जैसे ही इस 200 रुपए की कमी को लेकर मोदी जी का देश की सभी बहनों की तरफ से आभार व्यक्त किया, उनके एक बहुत पुराने ट्वीट को लोगों ने उन्हीं के सामने रख दिया कि जब सिलेंडर 1200 के आसपास पहुंच गया, उसमें 200 रुपए कटौती कर स्मृति ईरानी मुस्कुराते हुए मोदी जी का आभार व्यक्त कर रही हैं। और जब सिलेंडर 400 रुपए था, जी हाँ, जब सिलेंडर 400 रुपए था, तो स्मृति ईरानी क्या कहा करती थी? अब LPG के सिलेंडर के दामों में और भी वृद्धि की गई है। LPG के बड़े दामों के खिलाफ प्रदर्शन होगा। LPG पर जो कैप है उसके खिलाफ प्रदर्शन होगा। अब आया आपके समझ मैंने क्यों कहा कि रिश्तों का पता नहीं, लेकिन राजनीति में आने के बाद बयानों के रूप जरूर बदल जाते हैं। और क्योंकि स्मृति ईरानी सोशल मीडिया में इतनी एक्टिव रहती हैं, तो उनके सामने खुद का अपना ये पुराना बयान जरूर सामने आ गया होगा। स्मृति ईरानी जैसे तमाम उन नेताओं को जो लगातार मोदी जी का थैंक यू और मोदी जी का धन्यवाद कह रहे हैं इस बहुत बड़ी उपलब्धि के लिए, ऐसे लोगों को बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया। उनमें से एक जवाब मैं आपके सामने रख रही हूँ। दक्षिण भारत के सुपरस्टार प्रकाश राज, जो लगातार मोदी सरकार की आलोचना करते रहते हैं, उन्होंने कहा है, पहले 1000 लूटो, फिर 200 रुपए गिफ्ट कर दो। दोस्तों ये तर्क प्रकाश राज नहीं, हर कोई दे रहा है। जब UPA की सरकार गई और मोदी जी सत्ता में आए, तो सिलेंडर 400 के आसपास था। बढ़ते 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 सिलेंडर हो गया 1200 के आसपास। कई राज्यों में 1250 में भी मिल रहा है सिलेंडर, 1100 के आसपास तो है। अब रक्षाबंधन का नाम लेकर चुनावी लॉलीपॉप कह लीजिए या चुनावी रेवड़ी के नाम पर मोदी जी ने जो 200 रुपए की कटौती की है, ये 200 रुपए कितने काम आएंगे बहनों के इस महंगाई के मौके पर, ये तो मोदी जी ही जाने। लेकिन बड़ा सवाल तो खुद उनसे पूछा जाना चाहिए एक भाई के तौर पर कि भैया आपने जो ये 400 से 1200 किया सिलेंडर, उसमें अपने आप 200 रुपए कम करके आप अपने आप की पीठ थपथपा रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शंस के जरिए अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।